मैड्रिड स्पेन के एयरपोर्ट में एक बार फिर सिख पायलट के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया। जी हां, यह घटना तब हुई जब बुधवार को एयर इंडिया के पायलट कैप्टन सिमरन गुजराल फ्लाइट संख्या AI-136 लेकर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वापस दिल्ली लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया के पायलट कैप्टन सिमरन गुजराल जब एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर से गुजर रहे थे तब उन्हें वहां मौजूद अधिकारियों ने रोक लिया। जी हां, गुजराल ने अधिकारियों को बताया कि जब वह मेटल डिटेक्टर से निकले तो किसी भी तरह का अलार्म नहीं बजा था, उसके बावजूद उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पगड़ी उतार कर ट्रे में रखने को कहा। इसका जब कैप्टन गुजराल ने विरोध किया तो उन्हें वहीं बिठा लिया गया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उनके कारण फ्लाइट लेट हो रही है, इसके बावजूद उन्हें छूट नहीं दी गई। जी हां, बाद में फ्लाइट के अन्य पायलट आए और उन्हें दूसरे टर्मिनल से एंट्री करवा कर ले गए। कैप्टन सिमरन ने दावा किया है कि मैड्रिड एयरपोर्ट पर अक्सर सिखों के साथ बदतमीजी होती रहती है। उनका कहना है कि दुनिया के किसी भी अन्य एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अमेरिका और कनाडा में लाखों की संख्या में सिख रहते हैं, इसके बावजूद उन्हें वहां पर कभी भी इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है। जी हां, इस घटना पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी नाराजगी जताई है। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिमरन के साथ हुए वाक्य को सिख पगड़ी का अपमान और नस्लभेदी व्यवहार करार दिया है। जी हां, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री और पूर्व राजनयिक एस जयशंकर को पत्र लिखा और इसका जल्द से जल्द कोई उचित हल निकालने की गुजारिश की है। उन्होंने विदेश मंत्री ने मांग की है कि वह दुनिया भर में सिखों के साथ पगड़ी के चलते हो रहे दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कोई उचित उपाय करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।